This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की सारी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कहां कौन सा फैक्टर कैसे कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित और इसका क्या पड़ेगा आप पर असर। इसके अलावा रिसर्च के साथ प्रॉपर्टी की दुनिया की हर वो खबर जो मायने रखती है आपके लिए, देखिए हमारे साथ अगले एक घंटे में प्रॉपर्टी इंडिया में। साथ ही आप प्रॉपर्टी पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना ना भूलें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं यहां आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बेहद आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। देश के दूसरे बड़े शहरों के ऑफिस स्पेस में उछाल के बावजूद महंगी मुंबई में मंदी। IT enabled services वाले मुंबई से परहेज कर रहे हैं, लेकिन बैंकिंग सेवाओं की पसंद बनने से शहर को मिली थोड़ी राहत। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और ओखला पक्ष विहार के आसपास लगी रोक से नोएडा के लाखों लोग परेशान, क्यों हो रही है मामला सुलझाने में देर। नए आंकड़े कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। अप्रैल से जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 5.7% की दर से बढ़ी, ऐसी बढ़त जो कि पिछले 2.5 सालों में नहीं देखी गई। अच्छी होती अर्थव्यवस्था एक और निशानी है भारतीय रियल एस्टेट में ऑफिस स्पेस की खपत बढ़ने की। लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि ऑफिस स्पेस के मामले में स्टार बन के उभरे हैं अहमदाबाद और चेन्नई, और मुंबई ने खाई है मात। रीट्स हो या सीधा विदेशी निवेश या फिर वित्तीय माहौल को बेहतर करना, 2014 के बजट ने कमर्शियल रियल्टी सेक्टर को खुश करने के लिए बहुत सी वजह दी है। यही नहीं, देश के 8 बड़े शहरों में ऑफिस स्पेसेस की मांग में भी भारी उछाल आया है। कमर्शियल स्पेस अब्सॉर्प्शन इंडिया में इस साल 8-10% लास्ट ईयर से ज़्यादा होगा। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अबाउट 37 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस टेकअप होगा, और इसके 2-3 फंडामेंटल रीजंस हैं। एक, US और यूरोजोन रिकवर हुआ है, तो उनके रिकवरी की वजह से IT और टेक्नोलॉजी स्पेस में काफ़ी मूवमेंट हुई है। कुशमन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के हिसाब से देश के 8 बड़े शहरों में ऑफिस स्पेस की कुल खपत में 16% का इजाफा हुआ है। अहमदाबाद में ये उछाल सबसे ज्यादा यानी 172% रहा। चेन्नई में भी बढ़त 115% रही, लेकिन इस कहानी में पेंच यह है कि कारोबारी मुंबई में 22% की गिरावट दर्ज की गई। 19 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस बेकार पड़ी रही। सवाल उठता है कि उछाल के मौसम का फायदा मुंबई क्यों नहीं उठा पाया। बॉम्बे डिमांड इज ड्रॉप। मुंबई में मांग 3 करोड़ वर्क फुट से घटकर 2 करोड़ वर्क फुट हो गई है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी हो गई है और चुनाव की वजह से कई कंपनियों ने अपने फैसले तीसरी तिमाही तक टाल दिए। कारण और भी हैं। मुंबई जरूरत से ज्यादा महंगी हो गई है, इसलिए कंपनियों की अब ये पहली पसंद नहीं होती। जहां मुंबई में दुकानों के किराए औसतन 110 रुपए प्रति वर्क फुट है, वहीं कोलकाता में 52 रुपए प्रति वर्क फुट, बेंगलुरु में 50 रुपए प्रति वर्क फुट और NCR में
70 रुपए प्रति वर्ग फुट। हमने जिन बिल्डरों से बात की उनका कहना है कि आईटी और आईटीईएस कंपनियां जो लगभग आधी ऑफिस स्पेस लेने के लिए जिम्मेदार हैं, वो मुंबई से दूर रह रही हैं। शहर के महंगे दामों को देखते हुए कंपनियां पुणे जैसे शहर जाना पसंद कर रही हैं। लेकिन आईटी और आईटीईएस कंपनियों की जगह अब वित्तीय कंपनियां यहाँ का रुख कर रही हैं। All our projects, पिछले 3-4 महीने में हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को देखने बैंकिंग फिनेंस सर्विसेज वाले आ रहे हैं। दो और डील हो रही हैं। जून जुलाई फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अच्छा रहा। SBI कैपिटल। बिल्डरों का हौसला बढ़ा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि दूसरी छमाही में बेहतर नतीजे आएंगे। फिर भी खाली पड़ी जगहों को बेचने में अभी वक्त लगेगा। All the surplus stock that you see. अगले 6 महीने में जो भी सरप्लस है वो बिकने लगेगा। पूरा बिकने में तो साल भर लग जाएगा, लेकिन अच्छा दौर आ रहा है। साल के दूसरी 6 माही में ऑफिस स्पेसेस की मांग बढ़ने की उम्मीद तो है, लेकिन डेवलपर्स अभी भी इस सेक्टर में अपने पैसे लगाने से डर रहे हैं। उम्मीद है कि नई सरकार की नीतियों से कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर के भी अच्छे दिन आएंगे। मुंबई से अंकिता सिन्हा, NDTV। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील मंत्री, जो कि चेयरमैन है मंत्री रियल्टी के और डायरेक्टर है नरेटको के, और साथ ही में है अमित साठे जो कि बिजनेस हेड है कमर्शियल बिजनेस द फीनिक्स मिल्स लिमिटेड के। आप दोनों का स्वागत है। अमित, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। मुंबई के जो आंकड़े हैं उन्हें देख के थोड़ा सा झटका सा लगता है, क्योंकि मुंबई को ही कारोबारी शहर माना जाता है। ऐसे में क्या अब दूसरे शहरों के मुकाबले मुंबई कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, अपना ग्राउंड लूज कर रहा है? ये कहना सही होगा कुछ हद तक कि दूसरे के शहरों के मुकाबले बम्बई थोड़ा सा ग्राउंड लूज कर रहा है, लेकिन ये जो आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं वो आधे साल के आंकड़े हैं। ट्रेडिशनली अगर बॉम्बे को देखा जाए तो दूसरे हाफ में, मतलब Q3 और Q4 में बम्बई के आंकड़े हमेशा बदल जाते हैं। पिछले साल भी अगर पहले दो क्वार्टर का देखा जाए तो बहुत कम आंकड़े थे, लेकिन सेकंड फेज में या सेकंड इनिंग्स में, जैसे हम कहते हैं, आंकड़े चेंज हो गए। पिछले साल के 4 मिलियन स्क्वायर फीट का जो एब्सॉर्प्शन था बम्बई का, उसमें से तकरीबन 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट जुलाई के बाद ही हुआ है, और यही आंकड़े आपको इस साल भी दिखाई देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े डील्स जो अभी चल रहे हैं वो रजिस्टर नहीं हुए हैं। हम जानते हैं कि LOI साइन हो चुका है, विच इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ क्लोजर, वो ऑलरेडी हो चुका है। जी ठीक है, अभी दो और क्वार्टर्स के जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर ज़्यादा साफ होगी, लेकिन बीते कई सालों में भी कोई हालत बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं रही है मुंबई में अन्य शहरों के मुकाबले। सुनील जी, आपका क्या मानना है, कमर्शियल रियलिटी की क्या यहाँ मांग घट रही है? ये दाम बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग इसमें पैसा डालने से हिचक रहे हैं, क्यों मुंबई में कमर्शियल रियलिटी बढ़ने की जगह घट रही है? मुंबई का ऑफिस स्पेस मार्केट की हम अगर बात करें तो इसमें एक मेजॉरिटी 3 टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। एक फर्स्ट होता है आईटी और आईटी रिलेटेड सर्विसेज का, नंबर वन, शायद ये 50% तक इनका मार्केट शेयर होता है। सेकंड, हम अगर बात करें तो फाइनेंशियल सेगमेंट होता है या फाइनेंशियल सेक्टर होता है, जो फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां या बैंकिंग के बैकअप ऑफिसर्स, क्रेडिट कार्ड के बैकअप ऑफिसर्स और स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़े हुए उनके बैकअप ऑफिसर्स, इसकी खपत में वो मदद करते हैं। और तीसरा, हम अगर बात करें तो फार्मा जैसी कुछ कंपनियाँ हैं जो अपने कॉरपोरेट ऑफिस सेटअप करती है, मतलब हर कोई इंडस्ट्रियल हाउस अपना कॉरपोरेट ऑफिस सेटअप नहीं करता, वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल हाउसेस है जो कॉरपोरेट ऑफिस सेटअप करते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आ रहा है कि जो फर्स्ट सेगमेंट है जो करीबन 50% एब्जॉर्प्शन कंज्यूम करता है, मतलब आईटी और आईटी एलाइड 50% कंजम्पशन पूरे कमर्शियल रियल्टी मार्केट का होता है। और जैसे कि अभी बताया गया और हम लोग रिसर्च रिपोर्ट में भी देख रहे हैं को मुंबई के कंपैरेटिवली रेंटल्स ये अन्य शहरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मुंबई की स्पेस और लैंड कॉस्ट काफ़ी ऊंची है। सेकंड बात है, मुंबई का बैकअप ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ये भी काफ़ी ऊपर जाता है, मतलब कोई भी एम्प्लॉई को अगर मकान प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयर को या उसे खरीदना है तो ये काफ़ी कॉस्ट ऊंची जाती है, क्योंकि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के नीचे कोई मकान अवेलेबल नहीं है।
तो इसका कुल मिला के असर ये हो रहा है कि अन्य शहरों के कंपटीशन की वजह से और आईटी की ऐसी हालत है कि जो बाहर भी बैठ के आप काम कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि उसका मेट्रो में अस्तित्व या हेडक्वार्टर होना जरूरी है। तो हमें ये अन्य शहरों से काफ़ी बड़ी कंपटीशन मुंबई को झेलनी पड़ रही है, जैसे कि पुणे हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, एनसीआर का मार्केट बात करें, जहाँ पे काफ़ी बड़ा पेरिफेरल इलाका उनके लिए अवेलेबल है और रेंटल्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल आईटी के रेंटल्स 25 से 40 रुपए के दरमियान है और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोई भी रेंटल 80 रुपए के नीचे नहीं है। तो ज़्यादा करके कॉस्ट का मेजर फैक्टर आ रहा है और उसी वजह से शायद कुछ ट्रांजैक्शंस हम देख नहीं पा रहे, पर मुझे उम्मीद है जैसे अमित ने बात रखी कि कुछ ट्रांजैक्शन पाइपलाइन में है और ये हाई एंड के ऑफिस स्पेस के कंजम्पशन के होंगे। हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि छोटी मोटी आईटी कंपनी वो सारी ऑफिस स्पेस की मार्केट यहाँ खरीदेगी, क्योंकि उसको अन्य ऑप्शंस अवेलेबल है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी अन्य ऑप्शंस, जैसे नागपुर बात करें, हम नासिक की बात करें, ये बात सही है, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। लेकिन यहाँ अमित एक चीज और है कि अब आने वाले कुछ दिनों बाद बहुत सारी अवेलेबिलिटी भी होगी, मार्केट में सप्लाई भी आएगा, तो वैकेंसी लेवल्स और बढ़ सकते हैं। तो आपको ये एक बैलेंस मुंबई के लिए बना के रखना भी एक मुश्किल हो सकती है। अवेलेबिलिटी या सप्लाई की बात करें तो ये सही है कि थोड़ी सप्लाई मार्केट में आएगी, लेकिन पिछले 2 या 3 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले 2 या 3 साल में हर साल तकरीबन 3 मिलियन स्क्वायर फीट की ऑफिस सप्लाई मार्केट में आ रही थी, जबकि इस साल और अगले साल एक्सपेक्टेशन है कि 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट की ही ऑफिस स्पेस मार्केट में आएगी। इसकी वजह से हाँ थोड़ी सी सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन वैकेंसी जो पिछले 2-3 सालों में थी वो कम हो जाएगी। फ्रॉम 23% वैकेंसी विच वॉज सीन इन 2013 वो घट के तकरीबन 15 या 16 तक होने की संभावना है। ऑल्सो जो बिजनेस का इफ़ यू से मूड है वो चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से लोगों का ऑफिस लेने का इरादा बदलेगा और उसकी वजह से एब्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। जी क्या ऐसा भी है अमित कि कुछ खास इलाकों में रेंटल्स या फिर सेल्स ज़्यादा कम है, खासकर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो पेरिफेरल इलाके हैं वहाँ लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि वहाँ दाम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले कम है, जैसे लोअर परेल हो, अंधेरी हो या गोरेगांव हो, वहाँ पर CBD की जगह दाम कम है, तो क्या वहाँ सेल्स ज़्यादा हैं? आपने बिल्कुल मुद्दे की बात करी है। अगर आप सेल या लीजिंग की बात करें तो लोअर परेल में रेंटल वैल्यूज़ आज 120 से लेके 160 के आसपास है, डिपेंडिंग ऑन कौन से बिल्डिंग में आप लेते हैं। लेकिन यही अगर गोरेगांव में जाए तो सब 180-185 में मिलता है। थाना में चले जाए तो आज भी 45 से लेके 60 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंटल मिलता है, और नवी मुंबई चले जाए तो आईटी के लिए स्पेशली 45 रुपये या 30 रुपये में भी आजकल स्पेस अवेलेबल है। सो जो अगर बम्बई को आपको गिनना है तो बम्बई के आसपास के इलाके विच इज़ थाना, नवी मुंबई, फॉर दैट मैटर इवन बेलापुर सेगमेंट, ये पूरे बम्बई में गिनना पड़ेगा, क्योंकि जैसे दूसरे शहरों में हो रहा है, बैंगलोर में आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर में ज़्यादा एब्सॉर्प्शन है, ना कि सेंट्रल बैंगलोर में, उसी तरह बम्बई के बाहरी इलाकों में जो एब्सॉर्प्शन आ रही है, या SBDs जो बोलते हैं सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में जो एब्सॉर्प्शन आ रही है वो ज़्यादा मिलेगी, ना कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में। जी सुनील जी, आप जबकि अर्थव्यवस्था में अब एक मोड़ आता सा नज़र आ रहा है और बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट सामने नज़र आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब इसका असर कमर्शियल स्पेस पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कमर्शियल स्पेस का एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होगा। इसका कोरिलेशन बिल्कुल GDP ग्रोथ से है, जॉब क्रिएशन पे है। अगर जॉब्स क्रिएट होते हैं तो कमर्शियल स्पेस का ऑफटेक काफ़ी बड़े पैमाने पे सुधर जाता है। दूसरी बात ये भी नोट करनी पड़ेगी कि पिछले 3 या 4 वर्षों में कमर्शियल स्पेस का निर्माण काफ़ी घटा है, तो वैसे ही एक प्रकार से जो सप्लाई साइड है वो काफ़ी हद तक टूट चुकी है। तो अगर प्रेजेंट स्टॉक कुछ हद तक लिक्विडेट हो तो मुझे लग रहा है कि कमर्शियल स्पेस के लिए एक स्टेबिलिटी इन द प्राइस और अपवर्ड डायरेक्शन बहुत जल्दी मुमकिन और संभव है।
और एक मुद्दा रखना चाहूँगा कि अगर आप बम्बई की बात करें तो बम्बई में अभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ से आधे दाम पर या 75% प्राइस पे अवेलेबल है। जनरली हमने ये देखा है आमतौर पर कि कमर्शियल हमेशा महंगा होता है और रेजिडेंशियल सस्ता होता है। हालांकि मुंबई शहर का पिक्चर एग्जैक्टली रिवर्स है और काफ़ी शहरों में ऐसा ही प्रिंसिपल है। तो कंपैरेटिवली ये लग रहा है कि धीरे धीरे कमर्शियल का सप्लाई घटता गया है और वो प्राइजिंग स्टेबिलिटी में जा रहा है, और रेजिडेंशियल जो आज हाई प्राइस में वो हो सकता है आने वाले समय में उसे कुछ हद तक स्लाइटली डाउनवर्ड आए और कमर्शियल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। मुझे लग रहा है ये आने वाले समय में ये ज़्यादा संभव है। आपने बहुत अहम बात की, तो हो सकता है कि मुंबई के जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट है वहाँ पर दामों में कुछ गिरावट देखने को मिले, जैसा कि अभी हमने यहाँ कमर्शियल रियल एस्टेट पे देखी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो रियल एस्टेट में भी दिन बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट के मामले में मुंबई पिछड़ रही है, दूसरे शहर बाजी मार रहे हैं। यहाँ की तस्वीर कैसे बदलती है इस पर रखेंगे नज़र। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।